कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकाल पाना वाकई मुश्किल है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी सेहत पर। जी हाँ, हमारा बिजी शेड्यूल, बिगड़ती दिनचर्या, समय पर ना खाना और अनिद्रा, ऐसे तमाम कारण हैं जो दिन ब दिन हमारी सेहत पर असर डालकर हमें बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन हम सही वक्त पर सचेत हो जाएं और कुछ नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जागरूकता से बहुत सी मुश्किलों को पार पाया जा सकता है। और लोगों को जागरूक करने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताने के लिए ओबी हेम्स क्लिनिक ने वर्ल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल वीक के अंतर्गत एक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में चिकित्सा क्षेत्र के कई विधाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर्स लोगों को सलाह देकर हेल्दी लाइफस्टाइल के गुर सिखा रहे हैं। 18 से 23 फेब ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस वीक के नाम से जाना जाता है, तो इसी विषय पर हमने सोचा एक क्यों ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे एक कैंप लगाया जाए, क्योंकि आजकल हम सब देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हैं, समय पे ना सोना, इम्प्रॉपर खाना खाना, स्ट्रेस, परसिस्टेंट स्ट्रेस, हर समय का स्ट्रेस, तो इस वजह से जो डिजीजेस अराइज होते हैं, तो क्यों ना एक शिविर लगाया जाए स्पेशली ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, जो कि हमें प्रिवेंट कर सकता है टू लीड इन टू एनी फॉर्म ऑफ डिजीजेस, जो कि हम इसी से रिलेटेड ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, हमने होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, न्यूट्रिशन एंड इवन योर एक्यूपंक्चर का एक समावेश करके एक शिविर लगाया, जो कि पूरे इस 18 से 23 फरवरी तक चलेगा। आज की जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, एक आम व्यक्ति काफी हमें परेशानियों से जूझता है, जिसमें उसकी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इन मानसिक शारीरिक परिस्थितियों में जितनी भी उनकी दिक्कतें आती हैं, उनकी दिक्कतों में से आधे से ज़्यादा में कारण उनका अपना कुछ रहन सहन, खान पान पे डिपेंड करता है, जिसको हम की लाइफस्टाइल कहते हैं। अ गुड बैलेंस्ड लाइफ, जो हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ये करा कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस जो वीक लॉन्ग कैंप है इसमें डॉक्टर संकेत गुप्ता ने जो ये प्रयास करा है कि लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने सबको लोगों को अपनी पूरी जानकारी दे रहे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शरीर को हेल्दी और फिट बनाने में एक्सरसाइज और योगा काफी हेल्पफुल हो सकता है। योगा को नियमित रूप से अपने लाइफस्टाइल में शामिल करने से बहुत सी बीमारियों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही एक हेल्दी और फिट शरीर भी हासिल हो सकता है। इसकी जानकारी इस वर्कशॉप में आए योगा ट्रेनर डॉक्टर रमेश चंद्र ने दी। सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, योगा नॉट ए पोस्चर, केवल एक आसन नहीं है, योगा एक हमारी पूरी जीवन शैली है जिसमें सब कुछ आता है, खाने पीने से लेकर के सोने तक ये योगा के अंदर आता है, मेडिटेशन भी योगा के अंदर आता है, प्राणायाम भी हमारे योगा के अंदर आता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो चाहे कोई भी आसन करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंपलसरी है, वे ज़रूर करें अपने बिजी लाइफस्टाइल में, अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। चलिए, योगा और एक्सरसाइज के बाद थोड़ी भूख तो लगती ही है, लेकिन जरा ठहरिए, खान पान कैसा हो और कितना हो ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। जहां एक तरफ सही और एक हेल्दी खाना आपको सेहत की नेमत से नवाज सकता है, तो वहीं अनहेल्दी और कुछ भी खा लेने की आदत आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। क्या खाए और कितना खाए ये एक डाइटिशियन से बेहतर भला कौन बता सकता है, तो चलिए जरा डाइटिशियन से भी जान लेते हैं अच्छी डाइट के बारे में। बेसिक टिप ये रहेगी कि आप खाइए, अगर चाहे आपको वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से डील करना है, या एसिडिटी, आप खाइए, पर करेक्ट खाइए।
एक पोर्शन साइज आपका सेट होना चाहिए, इतना खाना है सूटेबल, आपका एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है। तीन चीज़ें जो होती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो ज़रूरी होता ही है, पर उसके इन बिटवीन मील्स जो होते हैं आपके, जो टिट्स एंड बिट्स हो जाते हैं, वो ज़रूरी होते हैं खाने पर। क्या खाना है वो एक बहुत राइट चीज़ होती है। अराउंड एक इंसान को सात से आठ मील्स लेनी चाहिए पर डे। तो उससे आपका एक तो टाइम गैप कम होगा, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सब चीज़ें डील हो जाती हैं। तो सुना आपने, हेल्दी डाइट कितनी जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। हेल्दी डाइट दिन भर की सभी जरूरतों को पूरा करता ही है, साथ ही शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में भी मददगार होता है। लेकिन एक जरूरी बात भी याद रखें, खाए जरूर लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, यानी अति हर चीज की बुरी होती है। कुछ भी करें, किसी भी चीज की एक्सेस ना होने दें, क्योंकि एक ये कहावत बड़ी है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट करें तो भी उसका नुकसान होता है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप ओवर एक्सरसाइज करें जो आपकी बॉडी बेयर नहीं कर सकती, तब भी आपको उसका नुकसान होगा। तो इसलिए यू शुड बी मॉडरेट इन एवरीथिंग, चाहे वो आपका खान पान हो, खाने पीने में भी। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी में जाते हो, कहे जी मैं तो, मेरे को तो परहेज कराओ, मैं तो ये नहीं खाता, मैंने वो नहीं खाता। तो ऐसे टाइम पे अगर आप एक मोटी सी सलाह देते हैं, जो व्यक्ति अपना वजन कम करने के में चाहते हैं और वो पार्टियां अवॉइड करते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप वहाँ पे जाके टेस्ट हर कुछ करें, खाएं कुछ भी ना। और जाते जाते सबसे अच्छी और जरूरी सलाह, जो न सिर्फ एक्सपर्ट बल्कि हम भी आपको देना नहीं भूलेंगे, जी हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड और स्माइलिंग फेस। जिंदगी को अपनी जिंदा दिली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे तो प्रॉब्लम्स उतनी ही आपसे दूर रहेंगी, और जब प्रॉब्लम से नहीं होंगी तो भला स्माइल को कौन रोक सकता है। सो बी पॉजिटिव और कीप स्माइलिंग। रेणु कैलाश, जैन टीवी।